वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो मैं ये पौधा आपको दिखा रही हूँ, ये है मरवे का पौधा, थाई बेजल मरवा। इस तरह की पत्तियां होती हैं इसकी, आप देख सकते हैं। इसमें ये बीज आ गया है, यही बीज नीचे झड़ के इसके और पौधे निकल जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। और अगर इसकी पत्ती को आप तोड़ेंगे ना, तोड़ के देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छी खुशबू, बहुत यम्मी। तो ये हमने लगाया हुआ है गमले में, आप देख सकते हैं। तो आप ये पौधा जरूर अपने गमले में लगाएं। चलिए बनाते हैं इसकी यम्मी सी चटनी। हमने इसकी पत्तियां धो के साफ कर ली हैं। एक मुट्ठी पत्ती ली है, ये देखिए हैंडफुल, एक हैंडफुल पत्तियां हैं। एक बड़े प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है, दो लहसुन की कलियां ली हैं, दो हरी मिर्च हैं, थोड़ा सा अचार का टुकड़ा है, ये आम के अचार का टुकड़ा है जिसकी हमने गुठली को निकाल दिया है। कभी कभी इसमें वो गुठली भी साथ में होती है, वो नहीं है, नहीं तो मिक्सी में पिसना नहीं होगा, खराब हो जाएगी। 1/4 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है, सफेद नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ा सा पानी लिया है। तो आइए बनाते हैं ये स्वादिष्ट सी चटनी। तो मिक्सी का जार हमने ले लिया है, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें ये प्याज, फिर डालेंगे ये पत्ते, धुले हुए पत्ते, देखिए कितने फ्रेश हैं। और ये पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है ये। अब हम डालेंगे इसमें अचार, हरी मिर्च, लहसुन। मैंने एक और चटनी मरवा की आपके उसपे अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा और टेस्टी बनती है। और अब हम डाल देंगे नमक दोनों तरह का, जीरा, पहले ऐसे ही पीस कर देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे अगर जरूरत होगी तो। देखिए कुछ ही ऐसी पिसी है, एक दो बार चलाने से क्योंकि पत्ते गीले थे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। और अब इसको एक बार और ग्राइंड करते हैं एक चम्मच पानी डालकर। और ये देखिए हमारी ये यम्मी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। और मैंने टेस्ट करके देखी है, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है जैसे सिलबट्टे पर बनाई हो, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ना दरदरा पीसा है। ये देखिए आप नमकीन रोटी पराठे के साथ खाएंगे ना, मजा आ जाएगा। अचार की खटाई है, तीखा हरी मिर्च का फ्लेवर है, बहुत ही यम्मी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये कर दी है हमने इसकी प्लेटिंग, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे सिलबट्टे पर चटनी बनी हो। तो जरूर कीजिएगा ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।